इस वक्त मैं हॉस्पिटल के इस बेड पर हूं, मगर अभी यहां से थोड़ी देर में हमारा डिस्चार्ज होने वाला है, घर चला जाऊंगा। वजह यह थी यहां रहने की कि हमारे घुटने का ऑपरेशन था, कार्टिलेज फट गया था हमारे लेफ्ट पांव का, और वो होता है अमूमन हम कलाकारों के साथ जब एक्शन करते हैं तो, और मैं कुछ ज्यादा ही एक्शन कर चुका हूं अपनी जिंदगी में, तो उसका प्रभाव है ये। इसका ऑपरेशन हो गया, बहुत माइनर सा था, उसके जो फटे हुए पार्ट थे निकाल दिए गए, ऐसा कुछ बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था ये। तो मस्ती मस्ती आया और मस्ती मस्ती अभी यहाँ से जा रहा हूँ, और थोड़ा दर्द है जो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा और पुनः अपने जीवन के लक्ष्य पर निरंतर दौड़ता नजर आऊंगा आप सबको मैं। तो धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस बुरे पल में याद किया। ऑपरेशन जो भी हो, जैसा भी हो, लोगों ने मेरे साथ अपना अटैचमेंट जोड़ के रखा। थैंक्स ऑल ऑफ यू। इस वक्त मैं हॉस्पिटल के इस बेड पर हूँ, मगर अभी यहाँ से थोड़ी देर में हमारा डिस्चार्ज होने वाला है, घर चला जाऊंगा। वजह यह थी यहाँ रहने की कि हमारे घुटने का ऑपरेशन था, कार्टिलेज फट गया था हमारे लेफ्ट पांव का, और वो होता है अमूमन हम कलाकारों के साथ जब एक्शन करते हैं तो, और मैं कुछ ज्यादा ही एक्शन कर चुका हूँ अपनी जिंदगी में, तो उसका प्रभाव है ये। इसका ऑपरेशन हो गया, बहुत माइनर सा था, उसके जो फटे हुए पार्ट थे निकाल दिए गए, ऐसा कुछ बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था ये। तो मस्ती मस्ती आया और मस्ती मस्ती अभी यहाँ से जा रहा हूँ, थोड़ा दर्द है जो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा और पुनः अपने जीवन के लक्ष्य पर निरंतर दौड़ता नजर आऊँगा आप सबको मैं। तो धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस बुरे पल में याद किया। ऑपरेशन जो भी हो, जैसा भी हो, लोगों ने मेरे साथ अपना अटैचमेंट जोड़ के रखा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।